गाइस मैं हूं विक्रम राठौर। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो गाइस मेरे सामने आज क्विड, और भाई ये रेनॉल्ट की क्विड है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसका एंड ओनरशिप रिव्यू भी दूंगा। सबसे पहले मैं इसका ओनरशिप रिव्यू आपको बताता हूं। ये गाड़ी खास करके अपनी ही गाड़ी है, हमारे भैया ने ली है, हमारे चाचा के ने ली है, तो ये अपनी ही गाड़ी है। मैं थोड़े दिन के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए अभी आया था मिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैंने कि इस गाड़ी की थोड़ी बहुत ओनरशिप रिव्यू ले लिया। मैंने भैया सब आपने क्यों चॉइस करी, क्यों नहीं चॉइस करी, तो कुछ पता होना चाहिए ना कि इस छोटी सी गाड़ी में क्या बेनिफिट मिला है और इसके बजट में आपको कितनी पड़ी और कितनी नहीं पड़ी। और इसके बजट में और भी गाड़ियाँ थी, जैसे कि मान के चलो जैसे स्विफ्ट में, मुझे तो इसका बजट तो नहीं पता कि कितनी गाड़ी इस पड़ी थी और कितनी की नहीं पड़ी है, जो मैं इस सब भैया से मैं पूछूंगा। हालांकि मैंने ये गाड़ी देखी है कि मुझे लगता है ये अभी कुछ साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज हो चुकी है। अब भैया ने कैसे करा है ये मुझे पता नहीं, इशू है क्या है, देखो ये भी टूटा थोड़ा पड़ा है। वो जो मैं भैया से पूछूंगा, भैया हमारे वहाँ पर साइड में खड़े हुए हैं, उनको भैया को बुलाता हूँ। शिवम भैया आ जाओ। कोई नहीं, इसको आने दो, ये हमारे भैया हैं। आप हमारे भैया इसके बारे में बताएंगे, इसको आपने क्यों चॉइस करा ये बताओ आप मुझे। इसके वजह में और भी गाड़ियाँ होती हैं। फाइव सीटर के लिए देखो गाड़ी बहुत सारी हैं, हाँ, लेकिन हम लोग 8-10 लाख खर्च करने के बजाय 5.5 लाख में अगर हमें ये गाड़ी मिल रही है तो इसमें क्या दिक्कत है बताइए। इसमें सब कुछ कंफर्टेबल है, आप देखिए एसी बढ़िया है इस गाड़ी का, ओके, और इसमें गियर सिस्टम बिल्कुल नए तरीके का है, ओके, जैसे पैक करने के लिए उठा के इसको पैक करने के लिए डालना पड़ता है, जो कि नई गाड़ी में समय आने लगा। और दूसरा इसका साइज है, उसका मनी है, दोनों चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं और इसका बैकअप भी बहुत अच्छा है और गाड़ियों से बेहतर है, इसलिए इसको चुना है हम लोगों को। अच्छा, ये आपको ऑन रोड कितने का पड़ गया था? जी ऑन रोड मुझे 570 का पड़ा था। 570 का, अभी इसकी इसका जो प्राइस है 7 लाख है ऑन रोड इस समय अभी का, यानी बढ़ चुका है प्राइस। बढ़ चुका है ये आपके 4 लाख का अल्टो या वैगनर 5 लाख का लेने से अच्छा है कि 5.5 का ये बढ़िया है। हाँ, और इसमें आपको कितने साल हो चुके हैं लेते हुए इसको? 2021 में हमने परचेज किया। अच्छा अच्छा, तो इसका माइलेज वगैरह क्या और कितना इसके आसपास देती है? पेट्रोल या डीजल है? ये पेट्रोल गाड़ी है। पेट्रोल यानी सीएनजी नहीं है इसमें? नहीं, सीएनजी इसमें नहीं है। अच्छा, तो एवरेज कितना है इसका? अभी 20 का दे रही है, ज्यादा चलती नहीं है गाड़ी। हाँ, अभी केवल 9,000 चली है केवल 3 साल में, देखिए ये चीज है। बाकी गाड़ी खुद देखो आप कैसी लग रही है। हाँ, वैसे तो सही लग रहा है। हाँ? इसका इंटीरियर वगैरह सब देखा जाए अब इसमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है अंदर से बैठ करके छोटा फील सा होता है। देखिए छोटी गाड़ी है, छोटा फील होगा। हाँ, आप उसके लिए फिर आपको 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, आप अगर एक्सयूवी वगैरह लेंगे, टीयूवी वगैरह लेंगे, उससे बेहतर है कि देखिए जो भी छोटी फैमिली है, जो मतलब एवरेज में लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। एवरेज बढ़िया है, 5-6 लोग बैठ जाते हैं, और क्या चाहिए आपको, रात में शौक पूरे है। अच्छा, एयरबैग्स कितने मिल जाते हैं इसमें? सेफ्टी के मामले में क्या है? सेफ्टी भी आप देखिए, ऐसे 2 एयरबैग है, एक ये है, एक साइड, ओके, 2 एयरबैग है सेफ्टी के लिए। और इसमें चार्जिंग पॉइंट पीछे भी दिया गया एक्स्ट्रा। अच्छा, एसी नहीं दी गई पीछे? एसी पीछे ऐसा नहीं है। अच्छा, एसी नहीं है इसमें? एसी नहीं है इसमें, बस इसमें चार्जिंग पॉइंट एक्स्ट्रा है। अच्छा, यहाँ पर दिया होगा? नहीं नहीं, उधर पीछे सीट के पीछे वहाँ पर दिया है। अच्छा, कोने में दे दिया अंदर से खुलेगा? स्पेस तो अच्छा खासा लग रहा है इसमें। स्पेस आप देखिए, आप स्पेस लगभग 3 बैग आराम से आ सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका टायर से जो स्पेयर व्हील टायर है उसका साइज क्या है? वो सेम है या फिर कम है इसमें? तो सही है। और मैं देख रहा हूँ ना, एक साइज कम दे देते हैं और पतला भी टायर देते हैं। इसमें व्हील कवर है, इसमें अलॉय नहीं है, 20 व्हील कवर है ये तो। स्टाइलिश का लुक है ना गाड़ी का। हां, अच्छी खासी होंडा सिटी का गाड़ी का लुक नहीं है, लुक आगे का लुक जो है। अच्छा, लुक होंडा अमेज का लुक देखिएगा, होंडा का आपसे। हां, अमेज का मैंने लुक तो देखा है, लेकिन मुझे जो अमेज है ना, अगर मैं अमेज को इसके मुकाबले देखा जाऊं तो अमेज मुझे इतनी ज्यादा बेटर लगती नहीं है। उसका इंटीरियर मुझे बहुत बेकार लगता है, लुक तो इसका सही लगता है।
बाकी इंजन कितने है इसमें? इंजन का 1000 cc है। 1000 cc है। 1000 cc में आपको पावर कैसी लगती होगी इसकी? पावर है, पावर सही है, बढ़िया गाड़ी चलती है, फर्स्ट क्लास। आप भी लंबे टूर पे कभी कभी गए? हाँ, गाड़ी चल चुका है, हम लोग गए थे ओरछा वगैरह गए थे, दतिया वगैरह। अच्छा, एवरेज भी सही दे रही है, अभी 25 का भी दे रही थी, कुछ वजह से चली नहीं है तो 25 का। 25 का पेट्रोल में दे रही है? इसका पेट्रोल में दे रही है। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस पे दे रहे हो ना? डिस्टेंस में जाएंगे, हाईवे पे जाएंगे तो बढ़िया है। और वैसे अगर सिटी में चला रहे हो, सिटी में तो फिर कितना होगा? तो 14 पहुंच जाता है, लोकल में देखिए ब्रेकर इतने सारे रहते हैं, ये गाड़ी ब्रेकर थोड़ी बनी है। बाकी इसमें DRL शायद है, DRL भी है इसमें, इंडिकेटर आपकी हो गया, और आपके यहाँ पर लाइट होगी आपकी, दोनों हाईवे में, लो भी में। फॉग लैम्प का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉग लैम्प भी यही काम कर रही है, यही काम कर रही है फॉग लैम्प पे तो। अच्छा, ये अलग से करवाया था क्या आपने? नहीं, नहीं, कलर इसी का आया था, ये अलग कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा, इसलिए तो ये अच्छा मैंने चूज़ किया। एक ही इसमें, एक ही इसमें वाइपर भी दिया हुआ है, सब यही काम कर देता है मैं पूरे में। सही है, एक ही काम कर रहा है इसमें, बड़ा है ना, छोटा नहीं है। हाँ, गाड़ी के हिसाब से एकदम जो है ना, उसके हिसाब से सही दिखा है इसमें। स्पेस तो सही लग रहा है, अगर और गाड़ियों से बेहतर लग रहा है। लेग रूम की बात करें जाना, लेग रूम बहुत बढ़िया है इसका, ये देख रहे हो। तो आप हेडरेस्ट तो अगर देखा जाए तो इसका हेडरेस्ट तो एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि स्पेस आराम से है। आप हाइट कितनी है आपकी? मेरा 5'4" है। आगे सही बैठे थे, एक कंफर्टेबल होके बैठे थे ना, और मैं कंफर्टेबल क्या, मैं अगर मैं अपनी हाइट की बताऊं तो मेरी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं देखो कंफर्टेबल, यहाँ पर भी कंफर्टेबल आराम से बैठा हूँ। देखो मेरे साइड में आप देख सकते हो कि एक हाथ का मेरा, सॉरी, एक हथेली का जैसे बोलते हैं, पूरा फर्क पड़ रहा है, लेकिन अच्छी तरह से कंफर्टेबल होकर मैं भी बैठ सकता हूँ उसमें। बाकी एक दो तीन, हाँ, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं अपने स्पेस होकर, लेकिन ये सही है अपने एल्टो वेल्टो से बढ़कर सही है, क्योंकि एल्टो बहुत ज़्यादा छोटी लगती है वो, केवल 4 लोग बैठ पाते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा छोटी लगती है, स्पेस का और स्पेस के मामले में देखा जाए, स्पेस तो छोड़ो, उसकी लुक ही एकदम बेकार लगती है, ऐसे लगती है पता नहीं बच्ची है वो, बच्ची जैसी लगती है वो, ये थोड़े बहुत उसमें मुकाबले सही लगती है। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बढ़िया है, हाँ, उसकी लगती ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी। मारुति की गाड़ी में सही बताऊँ उसमें विश्वास नहीं करता कभी मैं, एक तो उसकी सर्विस हुई बिल्कुल बेकार लगती है इन चीज़ों को। गाड़ी दो चीज़ों में अच्छी है बस, एक तो इसका एवरेज सही है, हाँ, पैसों के हिसाब से गाड़ी कंफर्टेबल है, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, तो इसलिए आपने ये चॉइस किया था। मेरा यकीन होता था ये। चलो सही है, अपनी पसंद है। देखो वही होता है कि जो अपनी पसंद है, बाकी देखते हैं कभी, और कभी अगर कभी आप लंबे टूर आओ या फिर मेरे पास आओ तो इसको जरूर, उसको हम लंबे टूर पर और भी एक्सपेरिमेंट लेंगे थोड़ा बहुत, इसका देखते रहेंगे, और आपके पास वीडियोस भी हम लाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास इतनी गाड़ियाँ जुड़ेंगी हम आपको उतना ही दिखाएंगे। और जो आपका कमेंट्स में बताओगे कि उस गाड़ी की हमारी वीडियो चाहिए, तो मैं उस गाड़ी की आपको आपके पास ज़रूर वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। सो वीडियो में बने रहें, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।